हाय एवरीवन दिस इज वे आज के टॉपिक डिस्कशन का हमारा उड़ीसा के ब्लैक बग पे है जिसकी पॉपुलेशन में इंक्रीज़ देखा गया है कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं डबल हो गई है लास्ट सिक्स ईयर्स में जितने भी एनिमल के कंजर्वेशन प्रोसेस इंडिया में चलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन राइट आप लोग देखते हैं तो आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो मालूम होनी चाहिए तो ये ब्लैक बग की एक इसी तरह की सक्सेस स्टोरी है प्रोजेक्ट टाइगर में आपने देखा वो भी सक्सेस स्टोरी रही है और रिसेंटली लॉकडाउन के पीरियड में हमने डॉल्फिनस के नंबर में भी पॉपुलेशन में भी इंक्रीज़ देखा तो दो तीन एग्जाम्पल्स आपको आनी चाहिए कि कहाँ पर हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं उनसे फ़ायदा हो रहा है कोई भी आपकी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा अब देखिए उड़ीसा में जो ब्लैक बग की पॉपुलेशन है जो टॉपिक है हमारा कि लास्ट सिक्स इयर्स में हमने देखा जो सेंसस हुआ डबल हो गई है सो इट इज़ अ सक्सेस स्टोरी यहाँ पे आपको नंबर्स भी मैं बताती हूँ अब देखिए ब्लैक बग्स को हम क्या बोलते हैं एंटीलोप्स यूजली एंटीलोप्स कौन से होते हैं जिस तरह के आपके रिमेनेंट्स रहते हैं ये रूमिनेंट कैसे होते हैं जैसे गोट हो गई कैटल हो गई ओके okay? उस कैटेगरी में आते हैं आप इसको डियर के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा डियर जो है उसके क्या होते हैं हॉन्स होते हैं हॉर्न्स हॉर्न्स नहीं सॉरी उसके एंटलर्स होते हैं डियर के एंटलर्स होते हैं और एंटलर होने का मतलब है कि डियर हर साल उसको शेड करता है और फिर से ग्रो करता है लेकिन जो एंटीलोप एंटीलोप की कैटेगरी में जो भी एनिमल्स आते हैं इनके परमानेंट हॉर्न्स होते हैं ऐसा नहीं है कि ये शेड करेंगे और फिर से ग्रो करेगा राइट तो यहाँ पर हम कुछ और एंटीलोप्स की भी बात करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक बक जो है ये क्या है एंटीलोप है ये बोविडे फैमिली से बिलोंग करता है अब एंटीलोप्स का नंबर देखिए कितना दिखा है सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी एट जिसमें फोर थाउजेंड वन सिक्स फीमेल्स हैं, वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेल्व मेल्स हैं और यंग ब्लैक आप कितने देखेंगे फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी तो ये रीसेंट सेंसस की रिपोर्ट है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो किया इसी साल ट्वेंटी एट फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में अब जो ब्लैक बक्स हैं ये उड़ीसा में कहाँ पाए जाते हैं गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है सदर्न पार्ट जो स्टेट का वहाँ पे इसी बार सेंसस भी इसी गंजम डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ है और इससे पहले जो ब्लैक बक्स हैं बालू खंड कोनार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये वहाँ पर पाए जाते थे टू थाउजेंड तक लेकिन वहां से ये वैनिश हो गए यहाँ पे मैप में मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए दिस इज द दिशा का गंजम डिस्ट्रिक्ट इससे पहले आप 2012 13 तक ये पूरी इस एरिया में भी पाए इस डिस्ट्रिक्ट में भी पाए जाते थे लेकिन अब वहाँ से वैनिश हो गए सिर्फ आपको गंजम डिस्ट्रिक्ट में ही ये मिलेंगे और इनके नंबर्स जो हैं 2020 में देखिए 6875 2018 में 4082 2015 में और भी कम थे तो देखिए दिखे, इंक्रीज दिखेगा यहाँ पे 2011 से हम देख रहे हैं 2000 से 3000 4000 6000 और इवेंचुअली 21 में हमको 7000 से ऊपर इनका नंबर मिला है तो डबल हुआ है अब इसमें एफर्ट्स मैं आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी के हर टॉपिक में एक चीज़ बताती हूँ कि कोई भी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट कोई भी कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट जो है हमारा वो तभी सक्सेसफुल होता है जब हम लोकल्स को इन्वॉल्व करते हैं कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी इसके हैबिटेट का इंप्रूवमेंट हुआ क्योंकि लोकल लोगों की बहुत मिली है इसको हम क्या बोलते हैं कॉम्युनिटी लेड कॉन्ज़र्वेशन है ना कभी भी आप लिखें तो ये हेडिंग ज़रूर दें कम्युनिटी लेड कॉन्जर्वेशन क्योंकि यहाँ पे लोकल लोगों ने काफ़ी प्रोटेक्शन दिया इसके हैबिटेट को और ऑबियसली फॉरेस्ट स्टाफ गवर्नमेंट के जो जो भी तरीके हैं कंज़र्वेशन के वो एक रीज़न है कि ब्लैक का यहाँ पे और नंबर इंक्रीज़ हुआ है अदरवाइज़ देखिए फोल क्लोर्स कहानियों में ब्लैक को बहुत इंपॉर्टेंस भी दी जाती है इन एरियाज़ में uh, लोग कहते हैं कि अगर ये फील्ड्स में दिख जाए तो इनको लकी चार्म की तरह ट्रीट किया जाता है कि ये लक लेके आते हैं किस्मत खुलती है उस दिन उस उस बार की आपकी जो हार्वेस्ट होगी वो अच्छी होगी तभी जो लोग हैं अगर इनके ये खेतों में भी आ जाते हैं ब्लैक बर्गस तो ये इनको मार के भगाते नहीं हैं और इनफैक्ट अगर ये इनके क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं तो भी ये इनको भगाते नहीं हैं कि इनको इनको लकी माना जाता है राइट right. अब ब्लैक बक देखिए थोड़ा साइंटिफिक तरीके से एंटीलोप सर्विकैप्रा बॉविडे फैमिली से बिलोंग करते हैं इंडियन एंटीलोप का ये साइंटिफिक नाम है और ये जो स्पीशीज़ है ये इंडिया में भी पाई जाती है नेपाल में भी पाई जाती है और ब्लैक बक्स हमारे किन किन स्टेट्स में है राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश तमिलनाडु उड़ीसा तो पेनसुलर इंडिया में कुछ और जगह भी ये पाए जाते हैं मेजरली इन एरियाज़ में ब्लैक बक्स जो हैं वो पाए जाते हैं ग्रासलैंड जो एरियाज़ होते हैं वहाँ आपको ये पाए बहुत ज़्यादा दिखेंगे और ये फ़ास्टेस्ट एनिमल इसको माना जाता है आफ्टर चीता चीता के बाद इसको फास्टेस्ट कंसीडर किया जाता है कि बहुत तेज़ दौड़ता है और ब्लैक बर्ग डायोर्नल है डायरनल क्या होता है जो एनिमल्स दिन को एक्टिव होते हैं डायोर्नल का ऑपोजिट टर्म क्या है नॉक्टर्नल नॉक्टर्नल यानी जो रात को एक्टिव होते हैं एनिमल्स सो ब्लैक इज अ डायर्नल एंटीलोप एक्ट इट इज एक्टिव ड्यूरिंग द डे अब देखिए इसको डिक्लेयर किया गया है स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश ये याद रखिए यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बताती हूँ कि उड़ीसा में ब्लैक को कहा जाता है कृष्ण सारा ओके स्पेलिंग इज कृष्ण सरा मृगा एम आर यू जी एके कृष्ण सारा मृगा इसको ब्लैक बक को इस नेम से भी जाना जाता है अब इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस भी बहुत है इसको हिंदुज़म में प्योरिटी का सिंबल माना जाता है इसकी स्किन और जो हॉर्न्स हैं जैसे आप देख सकते हैं इनको सेक्रेड माना जाता है लोग इनकी पूजा करते हैं बुद्धिज़्म में भी गुड लक का साइन इसको माना जाता है प्रोटेक्शन स्टेटस देखिए स्किड्यूल वन एनिमल है इंडिया में आई स्टेटस लीस्ट कंसर्न है लेकिन रेड बुक डेटा जो है वहाँ पर वनरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है ओके okay? अब ब्लैक बक उड़ीसा की अगर आप बात करें ओके जो मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे इस स्लाइड में लिखा है कृष्ण सारा मृगा ब्लैक बक को उड़ीसा में कहा जाता है ब्लैक बक्स जो है बालूखंड कोनार कोस्टल प्लेन ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूरी डिस्ट्रिक्ट में पहले वहाँ पे ये पाए जाते थे और अब गंजम डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे अब जो एंटीलोप्स हैं ग्रेसफुल बिल्ड क्योंकि इनके हॉर्न् देखेंगे बहुत ही ब्यूटिफुल दिखने में आ, दिखते हैं और सिलेंड्रिकल uh, इनके आ, ये जो हॉर्न् थोड़े सिलेंड्रिकल शेप में रहते हैं और आइज़ मतलब ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनिमल इसके लार्ज ग्लैंड भी होते हैं ग्लैंड्स से क्या होता है कुछ हॉर्मोन्स जो है इस तरह की सेंट रिलीज़ होती है कि ग्रुप में जब ये चलते हैं तो एक दूसरे को पहचान लेते हैं एक दूसरे को फॉलो करते हुए चलते हैं एक हर्ड को राइट right? एक दूसरे की प्रेजेंस एक एरिया में अपने मेंबर की प्रेजेंस ये उसकी सेंट से समझ जाते हैं अब जैसे एंटलोप्स हो गए गजिल्स हो गए ये सब सिमिलर एनिमल्स हैं जो कि प्लेन्स और ग्रास में आपको मिलेगा इनका हैबिटेट यही एरिया है लेकिन इनका इनको नुकसान क्यों होता है क्योंकि लोग इनको अब तो हंटिंग बैन है लेकिन पहले लोग इनको हंट करते थे इनके मीट के लिए बहुत इयर्स तक ये चलता रहा गेम्स में इनको यूज़ करते रहे इंडिया में दैट इज़ वाई इनका नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो गया लेकिन अब इनको प्रोटेक्शन जो है वो मिली है दैट इज़ वाई इनका जो पॉपुलेशन है फिर से इंक्रीज हुआ है देखिए इसी तरह से एक और डिफरेंट एंटीलोप्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ चिंकारा चिंकारा का नाम सुना होगा इंडियन गजेल जिसको बोलते हैं और इसका गजेल गजेल इज अ साइंटिफिक नेम ये बहुत ही ग्रेसफुल एनिमल है चेस्टनट कलर का होगा और स्ट्रेट रिंगड हॉर्न आपको दिखेंगे और चिंकारा जो है ये प्लेन्स में लो हिल्स ऑफ पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और डेक्कन प्लेन्स में आपको मिलेगा चिंकारा तो ये भी एक तरह का एंटीलोप है और ओके फ्यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एंटीलोप्स स्पेशली चिंकारा की थ्री फोर के स्मॉल ग्रुप्स में ये रहते हैं और क्या खाते हैं ग्रास लीव्स फ्रूट्स क्रॉप्स फील्ड्स में ओके okay, और बहुत इजीली अडाप्ट कर जाते हैं उसके बाद देखिए चौसिंगा फोर हॉन्ड एंटीलोप चौ मीन्स चार है ना चार सींग वाला ये देखिए चौसिंगा जो है एंटीलोप है लेकिन ऑल दो ये एक ट्रू एंटीलोप नहीं है इसके जो हैं स्पायरल नहीं है देखिए आगे से ऐसे नील्ड हैं थोड़े बेंट हुए हुए हैं ये फोर हॉन्ड एंटीलोप है इसके दो पेयर्स ऑफ हॉर्न्स रहते हैं एक पेयर जो है ओके okay, देखिए एक पेयर जो है लेंथ में वो बड़ा होगा एक पेयर जो होगा वो छोटा होगा दिस इज चोसिंगा दैट इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस एनिमल और इसका हैबिटेट क्या है टॉल तो ग्रासेस पार्स फॉरेस्ट जहाँ पे आ, इट कैन बी सीन नियर द विलेजेस नेक्स्ट टू फॉरेस्ट उन गाँव में जहाँ पे फॉरेस्ट पास में होंगे तो दिस इज़ द चौसिंगा नेक्स्ट ब्लू बुल या नील गाय जिसको आप बोलते होंगे तो देखिए ये भी एंटीलोप है जो कि सिर्फ इंडिया में मिलता है ब्लू बुल नील गाय देखने में ये आपको एंटीलोप की तरह नहीं नज़र आएगा बट इट इज़ एन एंटीलोप इसकी हॉर्स जैसी बॉडी है काव जैसा फेस है राइट right? और डार्क ग्रे कोट इसका रहता है और वाइट रिंग ऑन ईच फुट फुट अगर आप देखेंगे तो वाइट रिंग आपको नज़र आएगी और दिस uh, इज ब्लू बुल और मेल बुल्स जो हैं उनकी जो बैक हेयर हैं वो काफ़ी टाफ़्ट रहते हैं और हेयर आपके इनके थ्रोट पे भी आपको हेयर नज़र आएंगे आप इस तरह से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकेले अकेले ही बुल्स घूमते हैं हर्ड्स में नहीं रहते तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स जो सिमिलर एंटीलोप्स हैं और कुछ सिमिलर टू एंटीलोप्स हैं जो हमने डिस्कस किए बिकॉज ऑफ देयर हॉर्न्स बाकी Uh, ये टॉपिक इम्पॉटेंट है बिकॉज़ कुछ सक्सेस स्टोरीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि कहाँ पे हम एनिमल का पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने में हमारे कन्जर्वेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो फिट रही हैं क्योंकि वही कॉन्ज़रवेशन पॉलिसीज़ हम दूसरी जगह जहाँ पे एनिमल्स को नुकसान हो रहा है दूसरी स्टेट्स में वहाँ पे भी अपना सकते हैं तो यही डिस्कशन था आज का कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कर सकते हैं बाकी आप कोर्सेज़ के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी थैंक यू सो मच